स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जो आप अपने फेस पर बड़े ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके फेस पर दाग धब्बे, छाइयाँ हैं, या गर्मियों की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रूखापन सा हो जाता है, उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत और चमकदार बनी रहे, आपकी स्किन पर ग्लो रहे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको कुछ किचन के ही ऐसे सामान होते हैं जिससे आप अपने फेस पर लगा के अपने फेस पे ग्लो पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है चावल। चावल को आप साफ कर लीजिएगा, देखिएगा उसमें कीड़े मकोड़े ना हो। शुद्ध चावल आपको लेना है, उसे थोड़ा सा आप धो लीजिएगा। उसे आधे ग्लास पानी में आपको एक मुट्ठी चावल यानी कि 4 चम्मच चावल आपको भिगो देना है। रात में आप भिगो कर रख सकते हैं, नहीं तो आप लगाने से 4-5 घंटा पहले भी इस चावल को भिगो सकते हैं। उसके बाद जब आपको इस पैक को बनाना हो अपने फेस पे लगाने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़े से चावल को आप अपने हाथों से मसल दें। उसके बाद आप उसके पानी को छान लीजिएगा। पानी को छानने के बाद उसमें आपको 2 से 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलानी है अपनी आवश्यकता अनुसार। यदि आप अपने फेस पे लगाना चाहते हैं तो कम ही मात्रा में, यदि आप अपने हाथों पे पैरों पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अधिक मात्रा में भी आप इसका पैक बना सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी मिलाएं। यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, रूखी है, तो थोड़ा सा आप इसमें शहद या का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बादाम का तेल हो, गरी का तेल हो, कोई भी तेल आप ले सकते हैं। इन सभी को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप अपने फेस को साफ कर लीजिएगा। जब भी आप कोई भी पैक लगाएं अपने फेस को, तो अपने फेस को आप पानी से साफ कर लीजिएगा। आपके फेस पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। बाद आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें, 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। जब आपकी स्किन सूख जाए तो थोड़ा सा गुलाब जल का छींटा मार के अपने हाथों से 2 से 3 मिनट तक आप मसाज करें। मसाज करके आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका प्रयोग करें। आपके स्किन पे एक अलग सा ग्लो आएगा, आपकी स्किन बहुत ही चमकदार और खूबसूरत बनेगी। जो भी दाग धब्बे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं तो। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को रोज क्या करूँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएँ उसका निदान हम आप तक पहुँचा सकें।